रात है, सब सुकून से सो रहे हैं। क्या बात है, हमारे अलावा सिर्फ चिड़िया तोतों की आवाज़ आ रही है। सीरियसली आंखों में खूब नींद है और सुबह सुबह भागना पड़ रहा है क्योंकि टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। और आज का हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है जी संगम। संगम पर पहुंचना है आज, और जितना जल्दी पहुंच जाएंगे उतना अच्छा। और सब लोग अभी भी सो रहे हैं, धीरे धीरे सब उठ रहे हैं, पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं। मैं मोस्टली रात को एडिट करके पैकिंग करके सो गया था। और आज हम जा रहे हैं जी देवप्रयाग, और यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, कुछ तो गर्मी की वेदर ही ऐसा है यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई है। और कुछ वो जो आप देखोगे ऊपर पहाड़ों पर आग लगी हुई है। कल तो हालत बहुत ही ख़राब थी पर फिर भी ठीक है। आज भी यही सोचा है कि सुबह सुबह पहुँच जाएंगे, सुबह सुबह कवर करके ताकि आफ्टरनून का टाइम हम रुक जाएँ जहाँ पर भी पहुँचे। तो निकलते हैं जी, बस यही है। और ऐसी नींदों में हमने पता नहीं कितने टाइम से नहीं पूछा क्योंकि इतना जल्दी हम कभी नहीं उठे हैं ब्लॉग करने के लिए। तो आज सुबह 4 बजे पूछ लेते हैं आपसे, किदाव सारे बढ़िया आप बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अभी भी नींद है पर फिर भी निकलना ज़रूरी है। थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, स्ट्रगल करेंगे तो ही हसल होगा। तो आज हसल भी करेंगे। फाइनली जी हमने पहला स्टॉप लिया है जिसे बोलेंगे हम चाय ब्रेक, और यही कुछ 30-40 किलोमीटर के बाद लिया। और 30-40 किलोमीटर ही थे जब मैं पिछली बार केदारनाथ से, जब मेरे को वापस जाना पड़ा था, जब मैं केदारनाथ के रास्ते पर था और मेरे को वापस जाना पड़ा था क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि रास्ते में बैठ के हमारे को डिसीजन लेना पड़ा और रेड अलर्ट था तो वापस जाना पड़ा। पर इस बार मौसम अच्छा है, टाइम से निकले हैं, सुबह सुबह निकल गए थे। सुबह सुबह तो हिम्मत नहीं थी फिर भी हमने ब्लॉग शुरू किया, पर अभी चाय ब्रेक लिए तो अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार मनाली गए थे, लद्दाख गए थे, वैसे वाली फीलिंग है। और पिछली बार जो वादा करके गया था कि अगले साल फिर आऊँगा केदारनाथ करने के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ भोले से मिलने, केदार को मिलने जा रहा हूँ वापस से। मतलब इस बार बुलावा आया है तभी इस बार टाइम से शायद पहुँच भी रहा हूँ। तो अच्छा फीलिंग वेरी पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। वो शायद कोई और समझ पाए या ना समझ पाए, पर जब आप बार बार एक ही चीज़ को ट्राई कर रहे होते हो और हार नहीं मानते ना किसी चीज़ को करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बुला लेती है, दिल से बुला लेती है। तो हम भी वही ट्राई कर रहे हैं कि दिल से बुलाया हो तभी जाने का बड़ा मज़ा आएगा। और दिल से ही जा रहा हूँ यार, दिल से चाहता हूँ कि मैं वो दर्शन करूँ। सामने हो रहा है जी इतना प्यारा सनराइज, मज़ा आ रहा है। और इस तरफ हमारे दोस्त, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, चीयर्स, गुड मॉर्निंग है जी। कैसा लग रहा है? चाय भी लो। हमारे लिए वो ऐसा होता है ना, वो छोटे बच्चे नहीं होते कि कोई छोटी अच्छी जगह पे घुमा लेके से वाह, अरे इधर भी है वो भी है, सनराइज भी आज बहुत ऐसे बचपने वाला नहीं होता सनराइज वैसा ही है यार। क्या सन क्या लग रहा है आज यार, सेम सन है लेकिन आज कुछ लग रहा है। एक तेरी एक मेरी। यस मेरे भाई, आज की ट्रिप के लिए चीयर्स। चाय तो बढ़िया है जी, मजा आ रहा है। बाकी ये जो लोकेशन है इसका मजा अलग है। क्या बोलता, तभी मैं बोल रहा था यहाँ पे रुकते क्योंकि मतलब अब मैं बदला सा हूँ, बदली जगह। प्रैक्टिकली यही है कि जब चाय ब्रेक लेते हो तो कम से कम जितनी देर टाइम लगना उतनी देर हम वादियों का आनंद तो ले लें। तुम अगर यहाँ पे शांति से 2 मिनट बैठोगे ना, तुमको सब जीव जंतु पंछी की आवाज सुनाई देंगे। हाँ, अगर आप लोग चुप हो गए तो जो कि हमारे में से कोई भी चुप नहीं हो रहा है, सब बातें कर रहे हैं। तेरे को आ रही है नींद? अब चल जाएगी। इसको बहुत जल्द, इसको उल्टी भी आ रही है, इसको सीधी भी आ रही है, नींद भी आ आगे है। पीछे आ रही है, इसे सब आ रही है, इसे सब आ रही है। इतने हमारे बैग नहीं हिल रहे जितना ये सोते हुए इधर उधर हिल रही है ना। ये हमारे बैग ऐसे सेट हुए हैं, ये इतनी सी जगह हमारे पास इधर बची है। जिस चीज के लिए हम सुबह से निकले हैं, नींदों को उड़ाकर, होश को उड़ाकर और हसल के साथ, वर्त था 4 बजे उठना,
और उठ के यहाँ पे ये टाइम पे पहुँचना, क्योंकि अभी धूप आ जाएगी ना, तो जो हमको यहाँ पे इतना मजा आ रहा है अभी यहाँ पे नहीं, मजा नहीं आएगा। फिर हमको लगेगा कि यार जल्दी जल्दी खत्म करो, निकलते हैं यहाँ से। अब आपको दिखाएंगे संगम जहाँ से गंगा बनती है। और एक चीज बताऊँ ना, लोग जब कभी आते हैं ना इधर पे, तो यहाँ से हाईवे से खाली निकल जाते हैं, ऊपर से एक फोटो ले लेंगे और निकल जाएंगे। हम तुमको नीचे जाके प्रॉपर अच्छे से अप क्लोज एक्सक्लूसिव आपको दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव। हाँ, स्टोरी स्टोरी देंगे पूरी, क्या हुआ था, कैसे है ये। हम ये ब्रिज पर खड़े हैं और ब्रिज पर सबसे खतरनाक चीज क्या है कि इसके अंदर क्या है, सेंसेशन, मोशन सिकनेस, जिससे लगेगा सबको डर। हाइट वालों का फियर यहाँ पे है, मोशन सिकनेस वालों का फियर यहाँ पे है। आ जाओ, और जैसे ही क्रॉस करोगे यहाँ पर, आप कुछ भी गलत करते हो तो मुंह हाथ धोने का पानी भी है यहाँ पर, और वो भी गंगा। और जो आवाज आ रही है ना इस साउंड की, ओ हो हो, खतरनाक मेडिटेशन वाला म्यूजिक। दिस इज इट, दिस इज, यू हैव टू कम हियर, दिस इज रियल मेडिटेशन म्यूजिक। पंडित जी, इनमें से भागीरथी और अलकनंदा है, ये कौन कौन सी है? ये आ रही गंगोत्री गौमुख से। गौमुख से, ओके। इसका नाम है भागीरथी, ये आ रही अलकनंदा, ओके, बद्रीनाथ अलकापुरी से, ओके। और एक नदी और है वो आपको दिखाई दे रही, वो सरस्वती नाम है, सरस्वती नाम है, उसको भगवान ने श्राप दिया था, कोई एक घंटा दिखती है बद्रीनाथ के आगे जब आओगे तो उस पर दिखाई देती है, ओके। वहाँ से उसके बाद नहीं है, मिल इधर ही रही आके, तीनों तीनों इधर मिल, इसमें छह गंगा है, इसमें छह गंगा, इसमें अलकनंदा, हाँ, मंदाकिनी, ओके, मंदाकिनी, गरुड़ गंगा, ओके, धौली गंगा, पिंडर गंगा। क्या बात है, तो मेनली यहाँ पर आके ये मिलती है और गंगा बनती है। गंगा इसका नाम यहाँ से पड़ा ना, अलकनंदा बोलेंगे ना भागीरथी बोलेंगे, इसका नाम गंगा बोलेंगे, आगे गंगा। पंडित जी ने जितना बताया ना, उतना शायद मेरे को ज्ञान भी नहीं था, और मैं उतना अच्छे से आपको शायद बता भी नहीं पाता, क्योंकि मेरे को सिर्फ ये पता था अलकनंदा और भागीरथी यहाँ पर आके मिलती हैं और यहाँ से गंगा बनती है। पर उनको जितनी डिटेलिंग में बता दी, मतलब आठ नदियाँ मिलती हैं यहाँ पर, कितनी है, कौन सी नदी हमारे को नहीं दिखती है, ये सब चीज़ें उनको डिटेलिंग में बता दी, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन यहाँ पर बिताया है। हम सिर्फ आए हैं, ऊपर से चले जाते हैं। आज इत्तेफाक की बात है कि हम नीचे तक आए, क्योंकि हमारे को ये चीज़ देखनी थी, एक्सपीरियंस करनी थी और आपको करवानी थी। और कैसा है ना, ये जो जगह है इतनी प्यारी जगह है, तो ये हम अगर यहाँ नहीं आएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि इतनी प्यारी जगह जो है हम छोड़ रहे हैं। और अगर आप यहाँ नहीं आ पाओ तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना है चैनल के नीचे जो लाल कलर का है ना, इसे फोड़ दो, फोड़ दो, फोड़ दो, फोड़ दो, ऐसे बटन, ऐसे मार दो, वो जो घंटा है ना उसे ऐसे बजा बजा के ना बोलो कि वीडियो डालो, बूम कर दो, तो आपको ये सारी चीजें देखने मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब, थैंक यू वीरेंद्र, मैं भूल जाता हूँ बोलना, तू याद रखेगा, मैं यही बोलता रहूँ। कैसा लगा तुम्हारे को संगम पे आ गया? बहुत। मैं जब चार पाँच साल पहले आया था तब मैं सो रहा था और पास हो गया था ये, मेरे को पता ही नहीं कि ऐसी कोई जगह होती है। ये लोग मुझे बोलते हैं कि अरे तेरे एक जगह होती है यहाँ पे, ऐसा होता है, मतलब बताया क्यों नहीं, सो रहा था और तब से मेरा दिमाग में था कि यार मैं कभी देखूंगा ये जगह। तो जगह ऐसी होती है जहाँ पे आके आपको मतलब वो सुकून मिलता है जो आपको डेली लाइफ में नहीं मिलता है। तो आप यहाँ आओ, दो मिनट बैठे तो आपको लगेगा कि यार कुछ चीज़ सब अलग है, ये चीज़ है। हम आए अभी, बहुत ब्लॉगिंग किया, बहुत शूटिंग किया, सब कुछ किया, और अभी ऐसा हो गया है कि बैठ रहे और बस वो सुकून, ये जो बोल रहा है वही वाली चीज़ को हम लोग, जब हम अलग ही फीलिंग है ऐसे गंगा को अपने आँख के सामने बनते हुए देखना। ये बारी बहुत इतना सुना है ना बचपन से, गंगा माँ और एकदम यहाँ बन रही और बैठ के 15 मिनट से देख रहे हैं, उस चीज को फील कर रहे हैं। ये जो हाँ आया ना उससे फील कर लो कि इस जगह का वही फील है इस जगह का। बस यही सोच के आए थे कि 10 मिनट रुकेंगे, पिछले आधे घंटे तो हम ही बैठे हैं यहाँ पर कि हाँ यार इस जगह पर, ठीक है थोड़ी देर और बैठेंगे फिर निकलेंगे। अभी हम नाश्ता करने के लिए रुके तो ये आयुष ने हमारे को एक डिटेलिंग वाली बात बताई, और क्यों बता पाया ये, क्योंकि ये है गढ़वाल से,
यानी कि उत्तराखंड से। तो इसको जो हमने संगम देखा, इसका उसके ऊपर का एक नज़रिया अलग है जो यहाँ के लोकल्स लोगों को पता है, क्या है वो बता दें। हाँ, तो यहाँ पे बोला जाता है कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों जो रिवर है उनको सास बहू कहा जाता है। क्यों? तो इसमें जो भागीरथी है ना, तो आप इसको अगर देखोगे तो इसमें बहुत सारे पत्थर हैं। अच्छा, बीच बीच में वो लग तो रही थी ऐसे आराम से आ रही है। नहीं नहीं, वो अलकनंदा है। अच्छा, जो भागीरथी आपने देखा होगा जिसमें वो, अच्छा वो मछली वाली साइड। हाँ, जो मछली वाला साइड वाला पानी था वो, उसमें ना पत्थर है तो वो उसे हल्ला करते हुए आती है। आप आ रहे थे, आपने बोला ना ये बहुत हल्ला हो रहा है, तो वो पानी जो है वो हल्ला करते हुए आती है, तो उसको कहते हैं सास है, जो पर्यटन करते हुए आ रही है वो सास है। सॉरी सॉरी सासू में आपको नहीं बोला। तो और जो अलकनंदा है वो आपने देखा बहुत शांत आती है, तो उसे बहू कहते हैं, तो इसलिए इसको सास बहू कहते हैं। आजकल सिस्टम बदल नहीं गया है सर? सिस्टम बदल गया है आजकल वैसे, पर इनको सास बहू ही कहते हैं, इनको सास बहू कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से निकलते हैं, नाश्ता वाश्ता हो गया हमारा, पराठा खा लिया, पेट भर गया, और सास बहू की डिटेलिंग हमारे को पता लगी, मेरे को लगा आपको जानना जरूरी है इसलिए हमने आपको बता दिया। शुक्रिया, सॉरी सासू, सॉरी बहू राम, सॉरी। रूम है जिसमें हम सब लोग ऐसे जैसे होते नहीं नॉर्थ की शादियां होती है, तो पानी पड़ा है यार। अरे यही तो था पानी, नहीं है ठीक है वापस आ जा। अजीब जानवर है, जितना भी खिलाओ इतना पानी नहीं है। हट हट। ये अब क्या है कि हमारे को रूम मिल गया ना, इसलिए सबको आ रही है मस्ती थी, तो अभी तक सबको ऐसा था गर्मी, नींद आ रही है, सुला दो बस बहुत हो गया। ये देखो ऐसा है ना, थोड़ा पीछे जाओ, पीछे जाओ। तुमको पानी चाहिए क्या? नहीं, 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 नहीं।